मैं हिल्डा, हिल्डा क्राफ्टी से, और आज जो हम वीडियो कर रहे हैं वो हिंदी में है, और उसके लिए हमें मैंने कुछ ऑनलाइन मंगवाया था, तो ये बॉक्स में मुझे ये कागज मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना इस कागज से कुछ क्राफ्ट किया जाए। ठीक है, तो ये कागज, आप कोई भी कागज ले लीजिए, आप न्यूज़पेपर ले लीजिए, मैगजीन पेपर ले लीजिए, जो भी आप ले लीजिए, मैं ये ले रही हूँ क्योंकि जब मैंने देखा तो मैंने सोचा क्यों ना इससे कुछ किया जाए। तो ये कागज लीजिए, जो भी कागज आपको जो चाहिए, और आप उसको फाड़िए जैसे आपको चाहिए, आप फाड़िए। आपको एकदम स्क्वायर पीसेस चाहिए, सर्कल चाहिए, जैसे चाहिए आप कीजिए, मुझे ऐसे अच्छा लगता है तो मैं ऐसे कर रही हूँ। ऐसे करके आप फाड़ के रख दीजिए, मैंने कुछ ऑलरेडी फाड़ के रखे हुए हैं। हमें बॉटल चाहिए, कोई भी बॉटल ले लीजिए, और हमें ग्लू चाहिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक टेबल स्पून ग्लू के साथ हमें 1 टेबल स्पून ऑफ वाटर चाहिए। दोनों बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, वो ऐसे हो जाएगा, ये रेडी रख लीजिए। और हमें एक फ्लैट ब्रश चाहिए, एकदम फ्लैट ब्रश, ठीक है। अब हम बॉटल पे इसको पेस्ट करेंगे, उसके लिए पहले हम थोड़ा ग्लू में इसको डिप करेंगे, डिप करके जस्ट इसको थोड़ा सा हम लगाएंगे, और एक कागज का पीस लेके हम इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का एक ट्रिक है, आप सेंटर पे से ब्रश लेके इसको नीचे प्रेस करिए, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, सारे साइड्स की तरफ से। इससे क्या होगा, इसमें जो एयर बबल अगर बनता है वो नहीं बनेगा, और एकदम सुंदर से ये कागज बॉटल पे चिपक जाएगा। ऐसे करके मैं फिर से दिखाती हूँ, आप अभी जो नेक्स्ट पीस होगा थोड़ा सा ओवरलैप कर लीजिएगा, थोड़ा ग्लू लगा लीजिए, उसको ऊपर रखिए, फिर से आप ग्लू लेके नीचे साइड्स में, सारा बाहर की तरफ सेंटर से आप लेके इसको प्रेस करके थोड़ा सा आपको जोर देना पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि इसमें एकदम एयर बबल नहीं हो रहा है, तो इससे फिनिश बहुत अच्छी आती है। मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा बीच से शुरू करती हूँ क्योंकि मैं बॉटल पकड़ सकती हूँ, फिर मैं पहले पूरा बीच का पूरा कर लेती हूँ, करने के बाद उसको थोड़ा सूखने देती हूँ, जब ये सूख जाता है फिर मैं बॉटल को सुला देती हूँ ऐसे करके, और फिर मैं इस साइड पे नीचे की तरफ कागज लगाना शुरू कर देती हूँ। इससे बहुत इजी हो जाता है मुझे करने के लिए। तो आप फिर से जैसे देखिए, मैं अभी नीचे का साइड पे कर रही हूँ, बाहर की तरफ मैं इसको खींच रही हूँ, थोड़ा सा आपको जोर लगेगा, और ऐसे करके मैं नीचे का एरिया में करने लग जाती हूँ ऐसे। नीचे साइड्स में, ऊपर साइड्स में, सब तरह से करेंगे तो इससे ऐसे नीटली बहुत अच्छा नीट आ जाता है। जब नीचे करने के बाद, क्योंकि ये ग्रिप मुझे रहता है, मैं क्या करती हूँ, थोड़ा जल्दी काम नहीं करती हूँ, मैं इसको अलाउ करती हूँ कि ये सूख जाए। जब ये सूख जाता है बीच का, नीचे का, तो फिर मैं बॉटल टर्न करके इस साइड से, यहां से पकड़ के फिर इसको सुला के ही करने लग जाती हूं। तो इससे मेरा फिनिश बॉटल पे बहुत अच्छा आ जाता है ऐसे करने से। अब ये बॉटल मैंने एक बना के रखी हुई है, बॉटल दूसरी है, पर ऐसे करके मैंने पूरी तरफ पे इसको बना दिया है। बनाने के बाद मैंने इसको सुखाने के लिए रख दिया है। अब सूखने के बाद हम इसको एक बार अच्छी तरह से चेक करेंगे, अब देखेंगे कि यहां पर थोड़े थोड़े एरिया पे मेरा कागज रह गया है। तो अब जब सूख गया है तो मैं छोटे से पीसेस, जैसे जितने जरूरत होंगे उतने मैं लूंगी, यहां पर ग्लू लगाऊंगी और उनको बिठा के फिर से नीचे, ऊपर, कोई भी डायरेक्शन जैसे आपको चाहिए, थोड़ा प्रेस करके उसको बिठा दीजिए। जैसे यहां पर भी थोड़ा सा रह गया है, मैं फिर से यहां पर थोड़ा सा ग्लू लगाऊंगी, कागज रख के नीचे, ऊपर, जहां चाहिए उसको थोड़ा सा प्रेस करके बिठा दूंगी। जैसे यहां फिर से रह गया है, एक बार अच्छा सा जब फिनिश हो जाएगा, सूख जाएगा आपका बॉटल, फिर आप जरूर उसको एक बार चेक कर लेना कि कोई जगह से आपका कागज रह ना गया हो। तो इस तरीके से आप करेंगे। अब जब आप नेक की तरफ करेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, थोड़े छोटे पीसेस लेंगे, छोटे पीसेस लेके फिर से जैसे आपने ग्लू लगाया और फिर उसको बिठा के फिर से सेम वे में आप इसको करेंगे,
ऊपर नीचे सब तरीके से आप करेंगे तो ये आप देखोगे कि ये कागज बहुत अच्छी तरह से इसको स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है उसमें। फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने लिए थोड़े छोटे कागज ले लीजिए तो ये बहुत अच्छी तरह बैठेंगे। अगर थोड़े बड़े पीस लेंगे तो उसमें क्रीज आ जाता है और थोड़ा बबल आ जाता है। तो यही ट्रिक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा छोटा लगा लीजिए, लगा के आप फिर से इसको ऐसे इस तरीके से आप सब डायरेक्शन से अच्छी तरह उसको बिठा दीजिए। जब बैठ जाएगा उसके बाद सूखने के बाद फिर से चेक कर लेना कि कोई जगह से रह तो नहीं गया है। फिर वहां पर आप जैसे यहाँ फिर से आप देख लीजिए थोड़ा सा रह गया है तो आप छोटा सा पीस लेके आप उसके ऊपर लगा दीजिए और फिर से थोड़ा सा ग्लू हमेशा लेना, लेके ऑल डायरेक्शन सारे डायरेक्शन में आप इसको कर लीजिए। तो आप देखिए ये जब सूख जाएगा ये एक कलर जैसा पूरा बन जाएगा, पर जो कागज होता है सूखा उससे एक शेड डार्क हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें ग्लू का लेयर रहता है। तो इस तरीके से हम ये बॉटल बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है और ये कोई भी बना सकता है। न्यूज़पेपर, आपके कोई भी बुक जो आपको नहीं चाहिए, मैगजीन्स, किसी से भी फाड़ फूड़ के आप इनको बना लीजिए। मुझे ये ब्राउन पेपर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मुझे लगता है ये किसी भी डेकोर के साथ जा सकता है। तो ये इस तरीके से है। ये याद रखना कि ग्लू आपका 1 tablespoon ऑफ ग्लू टू 1 tablespoon ऑफ वाटर रहेगा। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। दूसरा, अब ये बॉटल ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है, पर अगर हम इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाना चाहते हैं तो फिर हम जैसे हम इस पे एक फ्लावर लगा सकते हैं। अब ये फ्लावर भी मैंने इसी ही कागज से बनाया है, जो रैपिंग जो पैकेजिंग मटेरियल था तो ये इसी से ही बनाया है। आप जैसे हम इसको फिर बाद में फिनिश करने के लिए यहाँ लगा सकते हैं। दूसरा, अगर हम जैसे कोई भी मेरे पास एक बुक है पुराना, उसके पेजेस से मैंने बनाया है, हम ये लगा सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर लग सकता है। या मैं थोड़ा प्रोफेशनल वे में करती हूँ तो मेरे क्लाइंट्स को चाहिए होता है तो मैं उसको ऐसे लगा लेती हूँ, जैसे भी। पर अगर आप ये खरीदने जाएंगे, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये फ्लावर्स बनाने सिखाऊंगी, जो सिर्फ ये कागजों से जो हम फेंक देते हैं उसे हम ये फ्लावर सुंदर से बना सकते हैं। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। सो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और जरूर कमेंट करिए नीचे कि आपको मेरा ये हिंदी का वीडियो कैसे अच्छा कितना अच्छा लगा है। ये मुझे बहुत इंकरेज करेगा कि मैं और वीडियोस बनाऊं। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये फ्लावर सिखाऊंगी मैं आपको। आपको बहुत बहुत प्यार।